आज हम पहले कुल्फी का एक बेस बनाएंगे और उसी कुल्फी के बेस से हम 6 अलग अलग प्रकार की कुल्फियाँ बनाएंगे और ये सारी की सारी कुल्फियाँ एकदम ही रिच और एकदम ही मलाईदार बनेगी। ये 6 अलग अलग प्रकार की कुल्फियों को बनाने के लिए काफी मेहनत लगी थी, तो प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो यहाँ पर इस कुल्फी के बेस को बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है और आप जिस भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हो वो थोड़ी सी मोटी रहनी चाहिए ताकि ये जो दूध है इसमें जले नहीं। अब मैंने यहाँ पर लिया है ये अमूल का फुल क्रीम मिल्क। आप चाहो तो यहाँ पर किसी भी ब्रांड का दूध इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हो सके तो यहाँ पर आप फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल करिएगा ताकि आपकी जो कुल्फी है वो एकदम ही मलाईदार और एकदम ही गाढ़ी बन सके। लेकिन अगर आपके पास ये फुल क्रीम मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में जो भी दूध अवेलेबल हो उसे आप यूज़ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आज 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर 6 अलग अलग प्रकार की कुल्फियाँ बना रहा हूँ। आप चाहो तो यही सेम रेसिपी 1 लीटर दूध से भी आसानी से बना सकते हो। चलिए यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध इस कढ़ाई में डाल दिया है और अब हमें यहाँ पर इस दूध को उबालना है। लेकिन यहाँ पर इस दूध को उबालने से पहले हमें यहाँ पर इसमें से थोड़ा दूध एक बॉल में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 200 ml जितना दूध एक दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। अब ये जो अगली ट्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काफ़ी सारे कुल्फी वाले इस्तेमाल करते हैं दूध को फटाफट से गाढ़ा करने के लिए। तो अब जिस बोल में हमने दूध को साइड पर रखा हुआ है उसमें आपको डालना है 4 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर। यदि आपके पास यहाँ पर मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस कुल्फी को आप बिना मिल्क पाउडर से भी बड़े ही आसानी से बना सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुल्फी बनाने के लिए मिल्क पाउडर लगेगा ही, इसके बिना भी आप कुल्फी बना सकते हो। अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर इसमें डालना है 1 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च। यहाँ पर कॉर्न स्टार्च डालने से हमारे जो कुल्फी का दूध है वो काफ़ी फटाफट से गाढ़ा हो जाएगा और मिल्क पाउडर डालने से हमारी जो कुल्फी है वो काफ़ी दानेदार बनेगी। ये जो स्टेप है ये करना ऑप्शनल है, आप इसे नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैंने ये स्टेप आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि काफ़ी सारे कुल्फी वाले यही ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं अपनी कुल्फी को गाढ़ा बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पर इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हो तो आपको कुल्फी के दूध को गाढ़ा करने में बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आपको यहाँ पर इस मिल्क पाउडर को और कॉर्न स्टार्च को इस दूध में अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रहे कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रह जाने चाहिए। चलिए यहाँ पर हमारे जो मिल्क पाउडर और कॉर्न स्टार्च वाला दूध है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर इस मिल्क पाउडर और कॉर्न स्टार्च के दूध को यहाँ पर इस कढ़ाई में डालना है और फिर हमें यहाँ पर इस दूध को उबालना है। इस दूध को आपको तब तक उबालना है जब तक इसकी जो क्वांटिटी है वो आधी नहीं हो जाती, यानी कि हमने यहाँ पर 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया हुआ है तो इसको आपको तब तक उबालना है जब तक दूध की क्वांटिटी 1 लीटर नहीं हो जाती। और यदि आप चाहते हो कि आपकी जो कुल्फी है वो एकदम ही गाढ़ी एकदम ही मलाईदार बने तो आपको यहाँ पर इस दूध को आधे से भी कम यानी कि 1/4 लेवल तक इसको उबालना पड़ेगा। इस दूध को आपको स्लो या मीडियम फ्लेम पर उबालना है और इसको आप बीच बीच में चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जले नहीं। और यदि आपके पास टाइम कम है और आप इस दूध को फटाफट से उबालना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस दूध को हाई फ्लेम पर भी उबाल सकते हो, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको इसको लगातार चलाते जाना पड़ेगा। अगर आप इसको लगातार नहीं चलाओगे तो ये जो दूध है ये नीचे चिपक जाएगा और जलने लगेगा। शुरू शुरू में तो आपको इस दूध को लगातार चलाते ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमने इस पे कॉर्न स्टार्च डाला हुआ है और कॉर्न स्टार्च इस कढ़ाई के नीचे की तरफ बैठने लगेगा, तो ऐसा ना हो इसीलिए आप इस दूध को लगातार चलाते रहिए। अभी ये देखिए कि ये जो दूध की क्वांटिटी है ये कितनी है और जो दूध है ये काफ़ी पतला भी है, लेकिन जब हम इसको अच्छे से उबालेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी और जो दूध है ये बहुत ही गाढ़ा बनेगा। चलिए यहाँ पर अब हम इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दूध है इसकी क्वांटिटी आधी हो चुकी है और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से मलाई भी जम चुकी है। और हाँ, यहाँ पर जो कढ़ाई के साइड पर भी जो मलाई जमी हुई है उसको भी आप बीच बीच में निकालते रहिएगा। इसी मलाई की वजह से ये जो दूध है ये काफ़ी गाढ़ा और मलाईदार बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो दूध है ये काफ़ी मलाईदार बना हुआ है और पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसमें डालना है 1.5 कप चीनी। मैंने यहाँ पर ही नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर्ड शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर चीनी की मात्रा कितनी रखनी है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इस चीनी को पूरी तरीके से पिघलने देना है। अब यहाँ पर इस दूध को और मलाईदार और गाढ़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये घर की मलाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है उसी का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है
और बस फिर हम यहाँ पर इस मलाई को और दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर तो अभी ये जो दूध है ये काफ़ी गर्म है और फिर भी ये काफ़ी गाढ़ा बना हुआ है, लेकिन जैसे ही ये दूध ठंडा होगा ना तो ये अपने आप ही और ज़्यादा गाढ़ा बनेगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो कुल्फी का बेस है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आपको गैस को बंद कर देना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि गैस को बंद करने के बाद भी आपको इस दूध को 5 मिनट के लिए लगातार चलाते जाना है, क्योंकि आपकी जो कढ़ाई है वो अभी भी काफ़ी गर्म है, और अगर आप इसको नहीं चलाओगे तो ये जो दूध है ये जल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस दूध को किसी एक पतीले में या फिर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। चले, यहाँ पर जो कुल्फी का बेस है ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, और अब ये काफ़ी गाढ़ा, मलाईदार और बहुत ही दानेदार बना हुआ है। अब देखिए, आपके पास यहाँ पर दो रास्ते हैं। यदि आपको दानेदार कुल्फी पसंद है तो आप इस दूध को ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको दानेदार कुल्फी पसंद नहीं आती, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इस कुल्फी के बेस को आप एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए, और फिर आपको इसको थोड़े सेकेंड्स के लिए ही ब्लेंड करना है, और ऐसा करने से ये जो कुल्फी का बेस है ये एकदम ही स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इस कुल्फी के बेस को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब ये एकदम ही स्मूथ हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसी कुल्फी के बेस से 6 अलग अलग प्रकार की कुल्फियाँ बनाएंगे। तो आज हम यहाँ पर चॉकलेट कुल्फी, केसर इलायची कुल्फी, मावा ड्राई फ्रूट कुल्फी, स्ट्रॉबेरी कुल्फी, पिस्ता कुल्फी और सभी बच्चों की फेवरेट टूटी फ्रूटी कुल्फी यहाँ पर बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर केसर इलायची कुल्फी बनाएंगे, जिसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर इस केसर इलायची कुल्फी को बनाने के लिए आपको एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा दूध लेना है, और फिर हम इस दूध के अंदर थोड़ा सा केसर डालेंगे, और अब हमें यहाँ पर इस दूध को साइड पर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है, ताकि जो केसर का रंग और फ्लेवर है वो इस दूध के अंदर आ जाए। अब जो कुल्फी का बेस था उसको मैंने इस प्रकार के एक बाउल में ट्रांसफ़र किया हुआ है, और फिर जो केसर वाला दूध हमने रेडी किया हुआ था वो हमें यहाँ पर इसमें डालना है। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, यानी कि कार्डमम पाउडर। यदि आपको इलायची पाउडर का टेस्ट पसंद नहीं आता तो आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब बस हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इस कुल्फी में एक अच्छा सा रंग लाने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा येल्लो फूड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़्यादा फूड कलर आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर 2-3 बूंद फूड कलर की काफ़ी रहेगी। यहाँ पर फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे कुछ टेस्ट में तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो बस जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो केसर इलायची कुल्फी का दूध है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इस दूध को इस प्रकार के एक कुल्फी के मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। यदि आपके पास ऐसा कुल्फी मोल्ड नहीं है तो आप किसी भी ऐसे छोटे ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इस कुल्फी को एक कटोरी के अंदर भी जमा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर इस कुल्फी के अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हो। अब बारी आती है हम सभी की फेवरेट चॉकलेट कुल्फी बनाने की। तो यहाँ पर इस चॉकलेट कुल्फी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक छोटी सी डेरी मिल्क लगेगी। मैंने यहाँ पर जो 20 रुपये वाली डेरी मिल्क आती है उसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। एक बॉल में मैंने यहाँ पर इस कुल्फी के बेस को डाला हुआ था, और इसी में हमें यहाँ पर इस डेरी मिल्क के टुकड़ों को डालना है। आप चाहो तो यहाँ पर इस डेरी मिल्क को एक बार मेल्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसी में हमें यहाँ पर डालना है 1 बड़ी चम्मच कोको पाउडर। यदि इस टाइम पर आपके पास कोको पाउडर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप यहाँ पर किसी भी चॉकलेट बिस्किट को एक बार ग्राइंड कर लीजिए, और उसका पाउडर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब बस हमें यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करना है, और गर्मी के कारण ये जो डेरी मिल्क है ये अपने आप ही यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर जो चॉकलेट कुल्फी का बेस है ये भी बनकर रेडी हो चुका है। तो इस चॉकलेट कुल्फी बेस को हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर इसके ऊपर मैं ये घर में बनाई हुई चोको चिप्स यहाँ पर डाल रहा हूँ। यहाँ पर जो चोको चिप्स है इनको घर में बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऐसा पतीला लेना है, और इस पतीले में हम लगभग 2 या 3 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे, और इस पानी को हम एक बार उबलने देंगे। पानी जब एक बार उबलना शुरू हो जाए तब आपको यहाँ पर इसके ऊपर इस प्रकार का एक बोल रखना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप डार्क चॉकलेट, और फिर हम यहाँ पर इस डार्क चॉकलेट को पूरी तरीके से मेल्ट होने देंगे। चलिए, यहाँ पर जो चॉकलेट है ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तब आपको यहाँ पर इस मेल्ट की हुई चॉकलेट को एक पाइपिंग बैग में या फिर किसी भी एक दूध की थैली या किसी एक प्लास्टिक बैग में ट्रांसफ़र करना है, और फिर इस पाइपिंग बैग में आपको बिल्कुल छोटा सा एक छेद बनाना है, और फिर इस मेल्ट की हुई चॉकलेट को आपको किसी भी एक ट्रे में या फिर एक प्लेट में इस प्रकार से डालना है।
ये जो चोको चिप्स बनाने का काम है ये आप अपने बच्चों को दे सकते हो, उन्हें ये काम करने में बहुत ही मजा आएगा और साथ ही साथ उनका टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। यदि आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो इस प्रकार से आप दूध की थैली से भी इसको बना सकते हो। बस इसी तरह मैंने ये सारी चोको चिप्स बनाकर रेडी कर ली हुई है। चलिए अब आपको यहाँ पर इस चोको चिप्स को फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो चोको चिप्स है ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो देखा ना आपने कि घर पर चोको चिप्स बनाना कितना आसान है। अब बारी आती है पिस्ता कुल्फी बनाने की। तो यहाँ पर पिस्ता कुल्फी को बनाने के लिए मैंने एक बॉल में थोड़ा सा कुल्फी बेस लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे बारीक कट किया पिस्ता। वैसे देखा जाए तो मार्केट में पिस्ता का एसेंस भी आता है तो आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ ये थोड़े से बारीक कट किया पिस्ता डाल रहा हूँ और थोड़े से पिस्ता मैंने साइड पर बचा कर रखे हुए है जिसको हम कुल्फी के ऊपर की तरफ लगाएंगे। और अब इस कुल्फी में एक अच्छा कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल रहा हूँ। हमें बस यहाँ पर फूड कलर के 2 या 3 ड्रॉप्स का ही इस्तेमाल करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पिस्ता कुल्फी का बेस है ये भी बनकर रेडी हो चुका है। तो इस पिस्ता कुल्फी के दूध को भी हम यहाँ पर एक कटोरी में और एक कुल्फी के मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे और इस कुल्फी के ऊपर हम थोड़ा सा और पिस्ता डालेंगे ताकि ये दिखने में और अट्रैक्टिव लग सके। अब हम बनाएंगे मिक्स ड्राई फ्रूट मावा कुल्फी। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कुल्फी का बेस एक मिक्सर जार में डालना है और उसी में हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच मावा। यदि आप ये जानना चाहते हो कि आप घर पर मावा कैसे बना सकते हो तो उसके वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसी के साथ साथ हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर यानी कि कार्डमम पाउडर यहाँ पर डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी बढ़िया आए। और बस फिर हमें यहाँ पर इसको एक बार ब्लेंड करना है। तो चलिए यहाँ पर जो मावा कुल्फी का बेस है ये बनकर रेडी हो चुका है तो इसको हम एक कटोरी में ट्रांसफर करेंगे और फिर हम यहाँ पर इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बादाम काजू और पिस्ता का इस्तेमाल किया हुआ है और बस इसी तरह हम इस मावा कुल्फी के बेस को एक कुल्फी मोल्ड के अंदर भी ट्रांसफर करेंगे और इसके ऊपर भी हमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। चलिए अब हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट टूटी फ्रूटी कुल्फी। तो यहाँ पर मैंने एक बोल के अंदर थोड़ा सा कुल्फी बेस डाला हुआ है और अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। और ये जो टूटी फ्रूटी है ये मैंने घर पर ही बनाई है। यदि आप भी ये जानना चाहते हो कि आप घर पर टूटी फ्रूटी कैसे बना सकते हो तो उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उसके वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए यहाँ पर जो टूटी फ्रूटी कुल्फी का दूध है ये भी रेडी हो चुका है तो इसको भी हम एक कटोरी में और एक कुल्फी के मोल्ड के अंदर ट्रांसफर करेंगे और फिर आप चाहो तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी लगा सकते हो। अब बारी आती है स्ट्रॉबेरी कुल्फी बनाने की। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो कुल्फी का बेस है इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी एसेंस। यदि आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस नहीं है तो आप स्ट्रॉबेरी का पल्प या फिर स्ट्रॉबेरी का जो सिरप आता है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और बाई चांस आपके पास इस वक्त स्ट्रॉबेरी है तो आप उसको बारीक बारीक चॉप करके यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी कुल्फी का बेस है ये भी बनकर रेडी हो चुका है तो इसको भी मैंने इस प्रकार की एक कटोरी में ट्रांसफर कर लिया है और फिर मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ लाल कलर की टूटी फ्रूटी यहाँ पर डाल रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हमारी सारी की सारी 6 कुल्फी बनकर रेडी हो चुकी है और इनको मैंने इस प्रकार के एक मोल्ड में और कटोरी में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पर इस कुल्फी मोल्ड के ऊपर इस प्रकार का एक बटर पेपर लगाना है। आप चाहो तो यहाँ पर बटर पेपर के बजाय किसी एक प्लास्टिक शीट या फिर सिल्वर फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और फिर हम इसके ऊपर इस प्रकार का एक रबर बैंड लगाएंगे और फिर इस बटर पेपर के ठीक बीच में आपको एक चाकू की सहायता से छेद करना है और इसके अंदर हम एक आइसक्रीम या फिर कुल्फी के स्टिक रखेंगे। उसी तरह आपको यहाँ पर इस कटोरी के ऊपर भी इस प्रकार का एक बटर पेपर या फिर सिल्वर फॉइल पेपर का इस्तेमाल करना है और इस पर भी हम ये रबर बैंड लगाएंगे। चले यहाँ पर मैंने सभी कुल्फी के ऊपर ये बटर पेपर लगा लिया है। तब आपको यहाँ पर इन कुल्फी को फ्रीजर में लगभग 15 से 16 घंटे के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर 15 घंटे हो चुके हैं तब हम यहाँ पर इसके ऊपर से इस रबर बैंड को और बटर पेपर को निकाल लेंगे और फिर इस कुल्फी को इस मोल्ड में से आसानी से निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्लास में थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और फिर इस कुल्फी के मोल्ड को हम इस गुनगुने पानी में सिर्फ 5 सेकंड के लिए रखेंगे।
और बस आपकी जो कुल्फी है वो बहुत ही आसानी से इसमें से बाहर निकल जाएगी। यदि आपको यहाँ पर एक गुनगुना पानी का इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर आप इस कुल्फी के मोल्ड को अपने दोनों हाथों के बीच में रख कर ऐसे घिस सकते हो और आपके हाथों की गर्मी से ही ये जो कुल्फी है ये इस कुल्फी के मोल्ड में से बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। और जिन कुल्फी को हमने कटोरी में भी सेट करने के लिए रखा हुआ था वो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। ये सारी की सारी कुल्फियाँ बहुत ही अच्छे से जमी हुई है और इसका टेक्सचर टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे कि आपको मार्केट की कुल्फियों में मिलता है। तो कैसी लगी आपको ये कुल्फी की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपको और कौन कौन सी कुल्फी या फिर आइसक्रीम की रेसिपीज जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए।